शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Thank you.
चालू
क्या बात है।
And the winner folk dance competition tie here between Ulmi Group and इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सुनो सामने मालिक साहब, इधर आ जाओ, ये नहीं मिलेगा रात में, ले लो, इधर आओ, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे, एंड वन मोर ग्रुप, उनको भी आने, एक पैसा की तरह के मतलब थोड़ा सा तलवार लियो लेके वार भाई, ओ काकी इतने मजबूत एक साइड में भाई, यार ओ काकी ताई माई, इनका अलग कोऑर्डिनेशन चल रहा है, चेंबी बोलो तुम्हें बोलता हाँ, एंड वन मोर ग्रुप दैट इज सूरज डांस एकेडमी, हाँ अभी बजा आने दो, हाँ हाँ होते हैं दोनों के बीच में, चलो
यू आर वेलकम टू अवर चैनल. थैंक यू रिनी जी. थैंक यू. लेट मी गिव माय कॉम्प्लीमेंट फॉर अ वेरी सक्सेसफुल सुपर ग्रैंड प्रोग्राम. कैन टेल मी अबाउट दिस प्रोग्राम. First of all, I will hand over the mic to Anjani, Saraf and Chanchala ma'am. Let them speak about the event and eventually it will follow me. So, Chanchala Bankar ma'am has started this organization named as Parampara Samajik Seva Sanstha, and this is the first cultural show which is being organized under this banner. And furthermore, we are trying to bring all the Indian and the Maharashtrian culture in the currently present situation for all the generations. And I think Chanchala ma'am would be continuing the further. ये परंपरा सामाजिक सेवा संस्था जो आज मुझे अंजलि और रिनी मैम इन लोगों का सपोर्ट मिला और हम लोग ऐसे आगे और भी बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहेंगे परंपरा से और ऐसे कल्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे जो छुपे हुए हैं. कुछ कल्चर अभी तक नहीं बाहर आ रहे तो उनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू रिनी मैडम. एक आने वाले प्रोग्राम की रूपरेखा के बाद कुछ तो बताइए आने वाले प्रोग्राम. पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें बहुत अच्छी कवरेज दी और आपका चैनल पॉपुलर ऐसे ही नहीं है. बहुत लोगों को नाम आपके वजह से मिला है तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आज के इवेंट के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये जो इवेंट का कॉन्सेप्ट था ये अंजनी, सरफ और चंचला मैम का ज़्यादा था क्योंकि इन्होंने वो कॉन्सेप्ट मुझसे शेयर किया. अगर वो शेयर नहीं किया होता तो डेफिनेटली मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता. हाँ, सपोर्ट है, हार्डवर्क हम तीनों का है और इक्वली हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया. लेकिन इस इवेंट का जो मेन हाईलाइट था वो यही था जैसे अंजनी ने कहा कि बहुत लोग हमारे हिंदुस्तानी जो हैं वो अपना कल्चर, अपनी सभ्यता भूलते चले जा रहे हैं, वो धूमिल हो गया है. तो इसी के चलते अगर इस तरीके के सांस्कृतिक आयोजन होते रहे हमारे समाज में तो हमारे आने वाले जनरेशन को प्रेरणा मिलेगी और उनको नॉलेज और जो एजुकेशन इसके माध्यम से फोक कल्चर के लिए, लोकगीत, लोक संगीत, इन सब कल्चर के लिए जो उनको प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने का, इसी पर आधारित आज का कार्यक्रम था. बहुत सारी गृहिणियों ने आज बहुत ही अच्छा समा बांधा और मैं शुक्रगुजार हूँ परंपरा सामाजिक संस्था के भी, चंचला मैम के, अंजनी के, खुद के भी, क्योंकि अपने आप को हमेशा सराहना चाहिए. तो बात यह है कि हम सभी हमेशा अनोखे अनोखे कार्यक्रम लेकर आते रहे हैं और आते रहेंगे और हमारा USP जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि हम केवल अपने बारे में नहीं सारे समाज के बारे में सोचते हैं. सामाजिक कार्यकर्ता हम में से हर कोई है और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के चलते नहीं, हम आप कह सकते हैं हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि हमें ये चीज़ प्राथमिकता देने लायक लगती है कि सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचा जाए और फिर अपनों के बारे में. जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अपना भला अपने आप हो जाता है और यही आज के कार्यक्रम का सार था. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं. धन्यवाद.